एक शाम बादशाह अकबर अपने प्यारे बीरबल के साथ अपने शाही बाग में सैर के लिए निकले। वह बगीचा अद्भुत था, चारों तरफ हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा ने क्या सोचा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम इस हरे भरे बगीचे में हरे भरे घोड़े पर सवार होकर घूमना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप 7 दिन के भीतर हमारे लिए एक हरे घोड़े की व्यवस्था करें। दूसरी ओर यदि तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम मुझे अपना मुंह कभी मत दिखाना। राजा और बीरबल दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार मान ले, इसलिए उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। लेकिन बीरबल भी बहुत चतुर थे, वह अच्छी तरह जानता था कि राजा उससे क्या चाहता है, इसलिए वह भी 7 दिन तक घोड़ा ढूंढने के बहाने इधर उधर भटकता रहा। 8वें दिन बीरबल राजा के दरबार में उपस्थित हुए और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था की है। हालांकि इसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकतावश दोनों स्थितियों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि आपको खुद उस हरे घोड़े को लाने जाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई भी दिन चुनना होगा। ये सुनकर बादशाह आश्चर्य से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े के मालिक का कहना है कि विशेष हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए उसे इन विशेष शर्तों को मानना होगा। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हुए और मान गए कि बीरबल को अपनी हार स्वीकार करवाना वास्तव में एक कठिन कार्य है।